देखिए, जिस तरीके से ईडी का शिकंजा लगातार जो है वो लालू प्रसाद यादव और उनके बेहद करीबी वाले नेताओं पर कसा जा रहा है, आज महिला दिवस को लेकर जदयू ने भी महिला दिवस के कार्यक्रम रखे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। हमारे साथ पूर्व मंत्री रही शीला मंडल जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जदयू की नेत्री हैं, क्या कहेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और पहले इसकी शुरुआत कालरा जेटली ने किया था और उसी के शुभ अवसर पे आज हम लोग, उस दिन जो है शिवरात्रि था इस वजह से नहीं मना पाए, तो आज हम लोग महिला दिवस मना रहे हैं और बहुत आप देख रहे हैं कितनी अधिक मात्रा में यहाँ महिलाएं उपस्थित हैं। ये सब भी देख करके आप लोग समझिए कि हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी के काम को कर करके जो उन्होंने महिला सशक्तिकरण का जो एक पैगाम दिया है, जो मौन क्रांति किया है, जो एक समझिए मील का पत्थर साबित हुआ है कि महिला सशक्त हो रही है, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है, यही आपको देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने नारी सशक्तिकरण अधिनियम जो बिल लाया है उससे महिलाओं को कितना फायदा होने वाला है? लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में महिलाओं को कितनी सीटें जदयू देने जा रही है? देखिए, महिलाओं को, महिलाएं हमारे माननीय नेता जो है, हमें शुरू से ही महिलाओं सशक्ति के लिए काम किए हैं। आप देख रहे हैं कि पंचायती राज में 50% का आरक्षण हुआ, पुलिस विभाग में 35% का आरक्षण हुआ, तो ये जो सशक्तिकरण के लिए काम किया जाता है, आज जीविका में देख लीजिए समूह में 130 करोड़ महिलाएं भागीदारी है, तो ये सब सशक्तिकरण का ही स्वरूप है। आज हम आपके बीच उपस्थित है, हम भी एक हाउसवाइफ महिला थे, घर में चौका से चौक तक आए, सदन तक आ गए, तो ये सब जो सशक्तिकरण ही तो है महिलाओं का, इससे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा। आज सोचिए कि महिलाएं, आप जाइए गांव भी चले जाइए तो आप कहीं नहीं देखिएगा कि महिलाएं अब बेकार में बैठी हुई हैं। आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में सशक्त हो रही हैं। आज वो देखिए जीविका समूह से जुड़ करके महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है, अपने तरीके से जी रही है, तो ये सब अपने आप जान लीजिए। कल तक महिलाओं की पहचान किसके नाम से होता था, पिता या उसके नाम से, लेकिन आज महिलाओं के नाम से भी लोग जानने लगे, तो ये सब उपलब्धि ही है समाज की। लोकसभा का चुनाव है और अभी तक आपके पार्टी में यानी एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का मामला तय नहीं हुआ, आखिर फॉर्मूला क्यों नहीं तय हो रहा, वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, ऐसा बात है, ये हमारे गार्जियन है, उनको तय करना है और आपको बता दे कि हमको तो लगता है अभी किसी पार्टी का तय नहीं हुआ है, तो ये नहीं कह सकते कि हमारे पार्टी का नहीं हुआ है, अभी किसी का नहीं हुआ है। तो कितने सीटों पर आखिर उम्मीद है, कितनी है? नहीं, देखिए, ये आपको क्या बोले कि हमारे यहाँ हम लोग के गार्जियन है और पार्टी के जो प्रमुख होते हैं उनको तय करना है, हम लोग उनके साथ हैं। अंतिम सवाल मैम, क्या लगता है चिराग पासवान जो नाराज हैं एनडीए के अंदर, वो तय कर रहे हैं कि 6+1, क्या उस फॉर्मूले को सही है आप मानती हैं? देखिए, वो क्या मानना नहीं मानना ये हमारे बूते की बात नहीं है, हमारे मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होगा, ये उन लोगों के अंदर की बात है, तो उन लोगों को खुद अपना समझना चाहिए, इसमें कैसे सॉर्ट करें। सुभाष यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, उन्हें बेउर जेल में रखा गया है, कल 14 घंटे तक पूछताछ हुई है ईडी के द्वारा, अवैध संपत्ति और बालू माफिया से जुड़ा हुआ मामला है, तो क्या लगता है कि अमित शाह के आने के बाद ईडी के द्वारा कार्रवाई हुई है इस तरह की? देखिए, ऐसी बात नहीं है, आपको मालूम होगा कि आप लोग खुद सवाल उठा रहे थे पत्रकार भाई बंधु लोग कि मैडम इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हो रहा होगा, अब कार्रवाई होगी। हाँ, आगे भी होगी। देखिए, क्या होगी वो तो बात की बात है, लेकिन अभी जो आप जानते हैं कि बोला ही गया है कि जो जहाँ जो गलती है उसको ठीक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही और कहा कि जो लोग गलत करेंगे उन पर कार्रवाई होगी और ऐसे में कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा जिस तरीके से सुभाष यादव पर कार्रवाई हुई है उसको लेकर उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जो लोग भी होंगे गलत करेंगे वो सलाखों के पीछे होंगे, और कल गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें साफ तौर से कह दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जदयू की ओर से कार्यक्रम रखा गया है जिसको लेकर हमने सीधे तौर पर पूर्व मंत्री शीला मंडल से खास बातचीत की और सीधे सवालों के उन्होंने जवाब दिए और कहा कि महिलाएं सशक्त हो चुकी है और महिलाओं के लिए लेकर लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं और महिलाओं को लेकर जो है हमारी सरकार और हमारे पार्टी के नेता जो गार्जियन वो महिलाओं को खास तौर पर आगे बढ़ाने का काम करें। ऐसे में लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भी हिस्सेदारी कितनी होगी ये तो आने वाला समय बता पाएगा। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, आप देखते रहे लाइव इंडिया हरफल पटना।